ये सीधे तस्वीरें आ रही हैं देहरादून के परेड मैदान से, जहां पर बस अब कुछ ही पलों में ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। और देखिए, उत्तराखंड से प्रधानमंत्री का जो विशेष लगाव है वो हमेशा से ही जगजाहिर रहा है। बार बार प्रधानमंत्री ने दिखाया कि कितना ज़्यादा खास उनके दिल में जगह है उत्तराखंड की। और इस वक्त की जो टोपी प्रधानमंत्री ने पहनी हुई है, ये पहले भी दिखाई दी थी। आगे की कार्रवाई के लिए माननीय आपका स्वागत महोदय, हृदय की श्रद्धा समर्पित स्नेह बंधन देता मार्गदर्शन है अपेक्षित, आप आए हृदय नम स्वागतम शुभ स्वागतम। चाहूंगा माननीय मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, माननीय मुख्य सचिव जी। यदि माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से अब इस समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। राज्यपाल महोदय श्री पुष्कर सिंह धामी को शपथ दिलाएंगे। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। अब श्री सत्यपाल महाराज कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री प्रेमचंद अग्रवाल कृपया शब्द ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वर से नामना शपे यद अहम विधिना स्थापस्य भारतस्य संविधानम प्रति सत्याम श्रद्धाम निष्ठां च धारयसी से तथा भारतस्य प्रभुताम अखंडताम च अक्षूणाम रक्षिष्यामि तथा अहम उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रीद्वयेन स्वकर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं शुद्ध अंतःकरणेन च निर्वक्षयामि तथा सर्वविधि लोकान प्रति भीतिं पक्षपातं वा रागं द्वेषं वा विहाय यथा संविधानं यथा विधि च न्याय आचारयिष्यामि। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वरस्य नामना शपे यत कमपि विषयम् यः उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन मम विचारार्थ आनीयेत मया परिज्ञातः वा भवेत् कमपि जनम कान आपि जनान वा प्रति एतादृश मंत्रित्वेन मम कर्तव्यानां निर्वहनार्थ यद अपेक्षिताम सयात तद्विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण वा नहीं संसूचि यस्यामि नवा प्रकट करिष्यामि। धन्यवाद। श्री गणेश जोशी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सही प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर धन सिंह रावत कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं
मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री सुबोध उनियाल कृपया शब्द ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्रीमती रेखा आर्य कृपया शब्द ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री चंदन रामदास कृपया शब्द ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं चंदन राम दास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंदन राम दास
ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री सौरव बहुगुणा कृपया शब्द ग्रहण हेतु उदाहरण का कष्ट करें। मैं सौरव बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं भारत राज्य के मंत्री के रूप में उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सौरभ बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। यदि माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से इस समारोह की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। पद और गोपनीयता की शपथ उन्होंने ली है और पुष्कर सिंह धामी के साथ में 8 और मंत्रियों ने शपथ ली है और इसमें 2 अहम चेहरे जो नए दिखाई दिए हैं वो है चंदन राम दास और सौरभ बहुगुणा के। अगर हम इन दोनों चेहरों की बबात करें तो बागेश्वर से चंदन राम दास आते हैं, 3 बार के MLA लेकिन पहली बार मंत्री बन रहे हैं, और दूसरी तरफ सौरभ बहुगुणा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे हैं, सितारगंज से विधायक चुने गए हैं और पहली बार इन युवा चेहरों को अपने कैबिनेट में जगह दी गई है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मंच से देहरादून के परेड ग्राउंड से जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं।